ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ನಮ್ಮಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಾಯಕರ ನೇರ ಉತ್ತರ, ಇದೇ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಜಿ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೇರ ಪಹಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಜಿ, ಹಮ್ನೆ ಬಹುತ್ ಸಾಲ್ ಸೇ ದೇಖ್ ರಹಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ, ಆಪ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಹೇ, ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ಮೇರಾ ದುಃಖ ಯೇ ಹೇ, ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕರೇಗಾ ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ಕಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಆಪ್ನೆ ಠೀಕ್ ತರಹ ಸೇ ನಹೀ ಕಿಯಾ. ಶಾಯದ್ ಆಪ್ನೆ ದೇಖಾ ನಹೀ ಹೋಗಾ, ಐಸಾ ನಹೀ ಹೈ. ದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಚುನಾವ್ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಮೋಟೆ ತೌರ್ ಪೆ ವಹಿ ಕಹಾ ಜೋ ಕಿ ಹುವಾ, ಔರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವ್ ಮೇ ಮೇನೆ ಕಭಿ ಕೋಯಿ ಐಸಾ ದಾವಾ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಕಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಸೀಟೆ ಆನೆ ವಾಲಿ ಥಿ ಐಸಾ ಕುಚ್. ಖೈರ್ एक जमाना था जब मैं भविष्य बताने का काम करता. नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरा 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 प्रश्न यह है, अपने आपका विश्लेषण करने का है ना, उसमें आप हार गया क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया. मैंने जैसा कहा, पहले मैं भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता. फैंटास्टिक. मुझे आज भी लगता है कि आम आदमी पार्टी इस देश के भविष्य की पार्टी है. दो अर्थ में ये पार्टी है जिसका भविष्य है. मैं सिर्फ इसको 6 महीने की चीज़ों से नहीं देखता, दिल्ली में ऊपर गई नीचे आई, ये छोटी चीज़ें हैं किसी भी पार्टी के इतिहास में. मैं अगले 20 साल में देखता हूँ, अगले 10 साल में देखता हूँ. आम आदमी पार्टी भविष्य की पार्टी है, इस देश के भविष्य के विचार की पार्टी है, इस देश के जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी पार्टी है, वहाँ देखता हूँ. फैंटास्टिक. भविष्य की पीढ़ी है वो पार्टी है, भारत का भविष्य का पार्टी है. लोग भी ऐसा ही सोचा था, लोग भी ऐसा ही मान लिया, इसलिए लोग पूरा देश में, मैंने बोल रहा है पूरा देश में, आम आदमी पार्टी को इतना सहारा दिया. अरे आम आदमी पार्टी एक आशा किरण है हमारा समाज में. लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से चले गया, आम आदमी पार्टी कौन सा रास्ते पे चले गया, आम आदमी पार्टी क्या किया, आम आदमी पार्टी. आप शायद दिल्ली की सरकार के बारे में कह रहे हैं. दिल्ली की सरकार में हमने 49 दिन रहे, कुछ काम किया. मेरे विचार से जितना सामान्य पार्टियां करती हैं उससे ज़्यादा काम किया 49 दिन में. फिर हमने सरकार छोड़ दिया. हमने सरकार छोड़ा उस वक्त हमने सोचा था हम त्याग कर रहे हैं, बाकी सब पार्टियां कुर्सी से चिपकी रहती हैं. हमने कहा हम कुर्सी से चिपकेंगे नहीं, यदि हम वायदा पूरा नहीं कर पा रहे हम छोड़ेंगे. लेकिन जनता ने ऐसा नहीं सोचा. जनता ने कहा आपने गलत काम किया. जनता ने कहा हम चाहते थे कि आप कुर्सी पे बैठो, हमारे काम करो. लोकपाल पास नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप बिजली करो, पानी करो, दूसरे काम करो. हमारे मूल्यांकन में भूल हुई. okay. हमने लोगों से कहा, हाथ जोड़ के हमने कहा हाँ हमसे भूल हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं. हम राजनीति में नए हैं, हमें अनुभव नहीं है, राजनीति की चाल तिकड़म ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं, हमसे समझदारी में कमी हुई. लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं किया है हमने. आम आदमी पार्टी आज भी वो है. लोगों के मन में होगा, लोग कई बार गुस्सा हमसे हो जाते हैं, तुमने क्यों छोड़ा. देखिए दो अलग तरह के गुस्से होते हैं. एक किसी को मैं बदमाश समझता हूँ वो गुस्सा होता है, एक प्रेम का गुस्सा होता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था, दूर क्यों चले गए. जो लोगों का आम आदमी पार्टी से गुस्सा है वो प्रेम का गुस्सा है, वापिस आए. अभी भी आप ऐसा ही सोच रहे हैं वो ये प्रेम का गुस्सा है. आप दिल्ली घूम के देख लीजिए, पता नहीं दिल्ली आप लगता है कुछ समय से गए नहीं है. दिल्ली आइए और दिल्ली उतर के रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे किन्हीं भी 10 लोगों से मिल लीजिए. हाँ, पॉलिटिशियन से मत मिलना, जर्नलिस्ट से बात नहीं कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल से बात मत करना. मूंगफली बेचने वाला, रेहड़ी वाला, सब्जी वाला, ऑटो वाला, सामान्य 10 लोगों से बात कीजिएगा और उनसे पूछिएगा वो किसकी सरकार चाहते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा. नहीं, ये सामान्य लोग हैं ना, आपने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. सामान्य लोग जो है ये लोग आम आदमी पार्टी से ऊपर बहुत विश्वास रखा था, बहुत विश्वास, इसलिए उनको भ्रमनाशन हो गया अभी. अरे ये लोग भी ऐसा ही है, मन में जो आएगा ऐसा ही करेगा ये लोग. मैं पहले की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आज आप आइए, अगर उनका भ्रम है आप उनसे पूछिए. आपके दर्शकों से भी मैं कहता हूँ, दर्शक कहीं तो जाते होंगे दिल्ली,
दिल्ली जाइए, 10 साधारण लोगों से बात करके उनसे आज पूछिए कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, पूछेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। अरे अरे अरे, किसने किसने सहारा दिया, किसने आपका हाथ पकड़ा आम आदमी पार्टी का, वो लोग अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने तक चले गया। प्रेम में ये सब होता है, जिससे प्रेम होता है यदि उससे निराशा होती है तो वो गुस्सा भी एक खास तरह का आता है, लेकिन बाद में वही प्रेम वापस भी आता है। आम आदमी पार्टी से लोगों का ये गुस्सा नहीं था कि तुम बदमाश हो, तुम चोर निकले, तुमने करप्शन कर लिया, ये गुस्सा नहीं था। गुस्सा ये था कि तुम मेरा काम कर रहे थे, तुम मेरा बिजली तुमने सस्ता किया, तुमने मेरा पानी सस्ता किया, बिल मेरा ठीक आने लगा, काम पूरा हुआ उससे पहले ही तुम चले गए, ऐसा सिद्धांत का क्या फायदा है, हमें सिद्धांत नहीं चाहिए, तुम काम करो, ये गुस्सा था लोगों का। गुस्सा ये नहीं था कि अरविंद केजरीवाल तुम करप्शन कर रहे हो, गुस्सा ये नहीं था कि तुम चोरी कर रहे हो। इसलिए लोग कहते हैं कि चलो तुम्हें एक बार सजा दे दी, लोकसभा चुनाव में हमें सजा दे दी, लोग कहते हैं अब चुपचाप से आना, काम करना, ठीक से 5 साल तक रहना, लोग ये कह रहे हैं। सो आप लोग को अभी एनलाइटनमेंट हो गया, ज्ञानोदय हो गया अभी, हाँ काम करना चाहिए। राजनीति में हमेशा सीखना पड़ता है, लोगों से सीखना होता है। उस समय हमारा मान्यता थी कि हम नैतिकता के आधार पर काम कर रहे हैं, हमने सोचा कि यदि हम लोकपाल बिल पास न कर सके फिर भी कुर्सी में बैठे रहे तो लोग कहेंगे तुम तो चिपक गए, तुम भी तो कांग्रेस बीजेपी जैसे हो। लेकिन बाद में जनता ने हमें कहा कि नहीं, आप अगर पास ना कर पाते आप हमारे पास वापस आते, हमसे पूछते, हम आपको कहते कोई बात नहीं पास नहीं हुआ लेकिन दूसरे काम करो। अब हमें समझ आया है, बिल्कुल इसमें मुझे आपके सामने कहने में कोई संदेह नहीं है, संकोच नहीं है कि राजनीति में कई चीजें हम सीख रहे हैं, लेकिन हम ईमानदारी से समझौता नहीं करते, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते, बदमाशी नहीं करते। ईमानदारी से आप समझौता नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारी से साथ समझौता नहीं करते हैं। कांग्रेस का आपने सहारा लिया ना, कांग्रेस का सपोर्ट लिया ना, वो क्या है? कांग्रेस का हमने सपोर्ट नहीं लिया, हमने राज्यपाल को कहा कि जो कोई हमारे को सपोर्ट देगा, हमने कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी, और जिसे आप कहते हैं कांग्रेस का सहारा लिया, हमने उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज करवाया, हमने उन्हीं के करप्ट लोगों को बाहर निकाला। आप मुझे एक बात बता दीजिए जो हमने कांग्रेस की स्वीकार की हो, कांग्रेस पार्टी की एक चीज भी यदि हमने स्वीकार की हो तो आप बताइए। हमने वही राज किया जो किया, जिस पहले दिन कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं करेंगे वो चीज, हमने इस्तीफा दे दिया। अब आप कह रहे हैं इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए था, वो भी हम सीख रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने इस्तीफे के बारे में मैंने आपके आपके साथ बाद में मैंने बात करूंगा। आपने क्यों गया कांग्रेस के साथ? वो लोग बोलेगा यस मैं, हमने आपको सपोर्ट करने के लिए हम रेडी है, ओके वो लोग ने बोल दिया, लेने का क्या जरूरत था? हमारे लिए बिल्कुल धर्म संकट की बात थी, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे। हमने चुनाव किया, हमने सोचा था कि या तो हमें सत्ता मिलेगी या हम बाहर होंगे, हम त्रिशंकु हो गए। 28 सीट्स 8 कांग्रेस के पास थी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने सोचा कि हम फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने तो चुनाव में तो नहीं कहा था कि कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे, जनता को तो नहीं बोला था हमने। हमने वो किया जो आप भूल रहे हैं, पहली बार इस देश के इतिहास में कोई पार्टी जनता के पास वापस गई। हम जनता के पास गए, जनता से पूछा आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, काम करने के लिए हम लोग ने आपको इजाजत दिया है, काम करने के लिए अधिकार दिया, लेकिन आप लोग ने क्या किया? आप लोग ने विपक्ष नेता जैसा सड़क में आके, रास्ते में आके प्रतिभटन करना शुरू कर दिया, हड़ताल शुरू कर दिया। को ध्यान नहीं है शायद, ये पहली बार था कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा था। छोड़ दीजिए, आप लोग को बहुत डिफरेंस है। देखिए असली दिक्कत जो थी वो ये थी कि दिल्ली में सरकार के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है वो चीजें करने के जो कर्नाटका में है, बंगाल में है, सब जगह है। तो किसी मुख्यमंत्री को तो ये बात कहनी होगी ना कि पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास होना चाहिए, उस चीज को हमने रखा। जब जब संविधान की बात आ, जहां वो उसकी आड़ आती है कि इससे फालतू आप नहीं कर सकते, जो कानून बना हुआ है दिल्ली का, कल को बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, उन्हें भी कहना पड़ेगा। वो बार बार वो भी कहते थे कि दिल्ली के साथ अन्याय है, हमने उस बात को खुल के कहा, जनता के सामने कहा, और पहला मुख्यमंत्री नहीं है। और एक दिन हमने किया, कितना 24-36 घंटे शायद किया था,
और आज मीडिया को याद है जैसे 49 दिन हमने और कुछ किया ही नहीं, सड़क पे बैठे रहे। और वो जब सड़क पे भी बैठा था अरविंद केजरीवाल, तब भी सरकारी फाइलें साइन कर रहा था, तब भी तो बेचारा काम कर रहा था। नहीं, लोग ये सोचा, नहीं ये लोग सड़क में रहने के लिए लायक है, उनको हमने विपक्ष में बैठेंगे। वैसे मैं बताऊं, अगर इस देश के मुख्यमंत्री थोड़ा थोड़ा टाइम सड़क पे बिता लें ना, आपके मुख्यमंत्री भी एक दो रात अगर सड़क पे बिता लें बहुत अच्छा होगा। उससे माइंड भी क्लियर हो जाता है, उससे सेहत भी अच्छी हो जाती है, थोड़ा जनता से कनेक्ट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन पूरा ट्रैफिक में जाम करके नहीं बैठना चाहिए। ट्रैफिक में नहीं बैठे थे हम, बिल्कुल। आपने शायद दिल्ली का वो इलाका देखा नहीं है, हमने ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रोका हुआ था, ट्रैफिक आराम से चल रहा था। पुलिस ने जाके इधर उधर दूर की चीजें बंद कर दी थी, हमने पुलिस को कहा क्यों मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हो। आपने एक बात सही बोला, नहीं ये पहले मुख्यमंत्री नहीं है सड़क में आके हड़ताल जो किया, प्रतिभटन जो किया, ये पहला मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक में बंगारप्पा एक बार बोला था, अरे हम कावेरी पानी जो है क्यों छोड़ना चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने हड़ताल करूंगा, प्रतिभटन करूंगा। एक उन्होंने ऐसा बोला था, एसएम कृष्णा इधर से पादयात्रा चले गया था बेंगलुरु से मंड्या तक, पूरा जाम करके बाद में उन्होंने वापस आ गया, वो बात अलग है, सही है। लेकिन आप लोग बहुत डिफरेंट लोग हैं, आप क्या है बहुत ठीक ठाक काम करने के लिए आया था इधर, भ्रष्टाचार के बारे में आप बहुत बड़ा भाषण दिया था, लोग आपको भगवान जैसे देखता था, अरे अरविंद केजरीवाल आ गया कुछ ना कुछ करेगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं क्या हुआ, आप बिजली के बारे में बात कर रहे हैं? आप बिजली का बात पता नहीं है, मैं आपकी जानकारी बता, प्लीज 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 दीजिए। पहली बात ये, बिजली कंपनियों के ऑडिट करवाने का ऑर्डर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी दिल्ली में, हमने करवाया। दिल्ली का एक एक आदमी, कोई रिश्तेदार रहता होगा ना आपका दिल्ली में, फोन करके पूछा। उन 49 डेज में पुलिस ने पैसा लेना बंद कर दिया था, ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया था, डीडीए ने बंद कर दिया था, इंस्पेक्टर नहीं आता था। आज भी दिल्ली का रेहड़ी वाला भी याद करता है कि हमें पैसा नहीं। यादव जी बदलाव आ गया, भ्रष्टाचार पूछा आपने मुझसे, भ्रष्टाचार पूछा, मैं केवल भ्रष्टाचार का उत्तर दे रहा हूं। बदलाव आ गया, आप जो बोल रहे हो ठीक है बदलाव आ गया, लेकिन रातों रात एनलाइटनमेंट हुआ जैसे आप बोल रहे हैं ना, पैसा लेना बंद कर दिया, कैसे हो सकता है ये भ्रष्टाचार, ये डीप रूटेड है। आपको बहुत अचरज हो रहा होगा, मैं कहूँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद फोन करना, दिल्ली में जिसको भी जानते हैं उसको फोन करना, आपके दर्शकों को भी कहता हूँ ओके, आप जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो दिल्ली में कॉल करो, जो आपका रिलेटिव है उसको कॉल करो, उससे पूछो उन 49 डेज में क्या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, एमसीडी, ये लोगों के कर्मचारी रिश्वत लेते थे, ब्राइबरी लेते थे या नहीं, और मिलके आपकी आपके चैनल पे एसएमएस पे कॉल करना, आप एक एसएमएस पोल करवाइए, सब लोगों से पूछिए कि उन्होंने दिल्ली फोन किया कि नहीं किया, उस 49 डेज में करप्शन खत्म हुआ था कि नहीं। आपको बहुत अचरज लग रहा होगा, मैं समझता हूँ, बेंगलोर में रह के बहुत अचरज लगता है इन चीजों पे, दिल्ली में फोन करके पूछ लीजिए, मैं गलत हूँ तो पता लग जाएगा ओके। आप बिजली के बारे में बोला, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, वो 50% बिल कटवाया, वो पूरा अवैज्ञानिक था, क्या था, नहीं अवैज्ञानिक नहीं था, सॉरी अवैज्ञानिक मतलब अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक क्या होता है बिल में, नहीं इसलिए मैंने आपको पूछ रहा है। हमने बड़ा सिंपल चीज कहा, दरअसल यहाँ बेंगलोर में लोगों को पूरा पता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हमने किया क्या था। हमने कहा कि 700 लीटर पर फैमिली पर मंथ हम उनको फ्री पानी देंगे, पानी का कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, 701 लीटर से ऊपर कंज्यूम करेंगे तो आपको पूरे का चार्ज करेंगे okay. ये क्रॉस सब्सिडी बोला जाता है, दुनिया का स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रिंसिपल है। आइडिया क्या था कि जो कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाए, जो पानी का अधिक अपव्यय करते हैं उन पे चार्ज किया जाए। इससे वैज्ञानिक चीज क्या हो सकती है, पूरा इस्तेमाल हो गया जी, पूरा इस्तेमाल हो गया, क्या चीज पूरा इस्तेमाल हो, ये वो पूरा इंप्लीमेंट हो गया एकदम, वो तो अगले महीने से बिल में आ गया था। अभी यही चल रहा है, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं चलने दिया ना, क्यों, हमने, हमारी सरकार नहीं है इसलिए नहीं, हमने जो चीजें लागू की उसे बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर पलट दिया तो हम क्या कर सकते हैं उसका okay. हमने किया, बिल में आया। और ये जो लोगों को मैं कह रहा हूँ ना, फोन करें, फोन करके ये भी पूछिएगा आपका पानी का बिल चेंज हुआ था,
बिजली का बिल चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, फोन करवाइए, आप एक पोल करवाइए अपने चैनल में, बहुत अच्छा होगा, बेंगलोर के लोगों को अच्छा लगेगा, बीबीएमसी के चुनाव में वो भी ये चीजें। नहीं सर नहीं, वो ये बात मैंने बोलना चाहता हूँ, बीबीएमपी में आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी आना चाहिए, वो बहुत लोग का सपना था। चलिए आपने पहली अच्छी बात की है इस शो के ऊपर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं नहीं बहुत सारे बात है जी, मैंने सारे बात है, मैंने मैंने आपको बोल रहा है क्योंकि बीबीएमपी में लोग बहुत भ्रष्टता देख लिया है, भ्रष्टाचार तांडव होने लगा है बीबीएमपी में, आम आदमी पार्टी जैसा लोग आना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो नाटक करना शुरू कर दिया दिल्ली में, बाद में इधर लोग को भी भ्रमण बन गया, अरे यार वो लोग भी ऐसा ही है। अभी बेंगलुरु में आपका पहले जो इम्प्रेशन था वो लोग का मन में अभी नहीं है आम आदमी पार्टी के बारे में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ये पोल करवाइए, जो भ्रमिनेशन आप कह रहे हैं ना ये मीडिया का बनाया हुआ है, आप सबसे पोल करवाइए सचमुच, आप आज शाम को एक टेली पोल करवाइए। आप भी पक्का पॉलिटिशियन जैसा मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप ये साबित कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप शाम को चलाइएगा कि मैं असत्य बोल रहा था। आप एक ओपिनियन पोल करवाइए अपने चैनल पे और उनसे कहिए कि हर एक का कोई ना कोई बेंगलोर में दिल्ली में रिश्तेदारी तो है, कोई जानकार है, फोन करें उनसे पूछें, नंबर एक क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ था उन 49 डेज में या नहीं। मैं तो जानता नहीं, मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना इस पोल को। बिजली का बिल कम हुआ था या नहीं और पानी का बिल कम हुआ था या नहीं, तीनों पे आप पूछ लीजिए, उसके चार्ज चलाइए और उसके बाद यहाँ की जनता तय कर लेगी कि बीबीएमपी के लिए हम सुटेबल हैं कि नहीं। फाइन फैंटास्टिक मुझे सच्ची बात प्रॉमिस करेंगे या पक्का प्रॉमिस, डेफिनेटली पक्का करेंगे हम जी, पक्का करेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य लगा आपका ये बात सुन के। हाँ एक बात मैं बोलना चाहिए, वो मेरे से ज्यादा आपने मीडिया को देख लिया है पहले से ही, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो, आपका विश्लेषण जो है ना वो बहुत बढ़िया रहता था। सी आप भी पक्का पॉलिटिशियन जैसा ये वो लेके मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया है, ये मीडिया ने उन्होंने ऐसा कर दिया है, ऐसा बना चुका है। आपने भ्रम का जिक्र किया, मैंने कहा भ्रम जो है उसमें मीडिया का बहुत योगदान था, उससे पहले मैंने अपनी गलती के बारे में बोला। अच्छा ओके वो अपनी गलती मैंने पहले बोली, मीडिया की गलती बाद में बताई। आपका नायक महानायक होके आ गया ना, उसके मीडिया का बहुत बड़ा हेल्प था, बहुत बड़ा सपोर्ट था, इसलिए केजरीवाल ने बहुत बड़ा नायक बन गया, वो भी मानना चाहिए। आप दरअसल आप पूरी कहानी भूल रहे हैं। जब रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन चल रहा था उस वक्त मीडिया ने बहुत बड़ा करके उसको दिखाया था, मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। फिर हमने एक्सपोजे पार्टी बनने के बाद पार्टी बनी, अन्ना अलग हो गए, मीडिया ने कहा अब आम आदमी पार्टी बन ही नहीं सकती। फिर उसके बाद हमने एक्सपोजे किए इसका, वाड्रा का किया, मीडिया ने कहा बहुत अच्छा, नितिन गडकरी का किया, मीडिया ने कहा ठीक है। फिर हमने अंबानी और अडानी का नाम लिया, मीडिया चुप हो गया। उसके बाद 4 महीने तक हमें कोई कवरेज नहीं था। उसके बाद ये तो दिल्ली चुनाव में, जब और दिल्ली चुनाव में इससे पहले जो था आपको याद होगा मीडिया ने कितना झूठा प्रचार किया था, याद है आपको सीडी वाला वो एपिसोड। तो मीडिया इतना पॉजिटिव नहीं था, जब दिल्ली जीत गए उसके बाद उगते सूरज को हर कोई सलाम कर रहा था। अच्छी बात है, वो भी बढ़िया है। मैं खाली मीडिया को दोष नहीं देता और मीडिया कर्मी को दोष नहीं देता, जर्नलिस्ट का चरित्र इस देश में अच्छा है, जर्नलिस्ट उतना ही अच्छा है जितना वकील और डॉक्टर। लेकिन मीडिया का चरित्र जर्नलिस्ट के चरित्र से थोड़ी बनता है, मीडिया का चरित्र तो वो है जो उसका मालिक डिसाइड करता है, वहां समस्या है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, देश के हर समाजशास्त्री कह रहा है, जो कुछ मीडिया का कर्मी है, मीडिया का अध्ययन करने वाला हमेशा बता रहा है। आपने बोल रहा है माध्यम अभी उद्यम बन गया है, ऐसा कई जगह बना है, सारे नहीं बने हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चैनल किसके हाथ में है, जो इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। इन चीजों पे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये लोग एक पार्टी का बारे में, एक नायक के बारे में बात करता है, समाज में जो हो रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ खास पार्टियों का आज मीडिया के ऊपर कब्जा है।
इस देश में आज जो सबसे बड़ी पूंजी है, पैसा है, वो मीडिया को कंट्रोल करता है। जर्नलिस्ट अपने तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन वो जो अपनी रिपोर्ट लेके आ रहा है, वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी नहीं दिखाई जाएगी, क्या ट्विस्ट दिया जाएगा, ये जर्नलिस्ट के हाथ में थोड़ी है। आप खुद जानते हैं, आप मीडिया में हैं, वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं किस तरह से मीडिया ऑपरेट करता है। और मुझे लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर से देखा जाना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसी तरह से मीडिया का भी ऑडिट होना चाहिए। आपका राय यह है मीडिया का हालत अभी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी ठीक नहीं है, मीडिया का भी ठीक नहीं है, इन सब की कॉन्स्टेंट जांच होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ओपन वो भी होने चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि एक दूसरे पे जांच करे। मैं तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कह रहा हूं, हमारी जांच होनी चाहिए, हमारे पैसे की जांच होनी चाहिए, हमारे काम की जांच होनी चाहिए, हमारे इंटरनल फंक्शनिंग की जांच होनी चाहिए। इसी तरह से मीडिया का, कौन ओनर है, किस ओनर के इंटरेस्ट क्या है, और कौन सा काम करता है, कौन सी खबर दबाई जाती है, सबकी जांच होनी चाहिए। लोग अभी भी आम आदमी पार्टी पार्टी को फिर हाथ पकड़ेगा? आप दिल्ली में आके देख लेना ना। इंडस्ट्रियल अर्पिसवा फेस टू फेस विराम अदनंतर। इंडस्ट्रियल अर्पिसवा फेस टू फेस। आपका नेता को इधर उधर से पैसा आ जाएगा, वो भी ऑडिट होना चाहिए? बिल्कुल, एक एक पैसे का ऑडिट होना चाहिए। अगर आप हमारे किसी भी नेता के किसी भी पैसे के बारे में कुछ कह सकें प्रूफ के साथ, आपका धर्म बनता है कि आपको उसे दुनिया के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, अभी अभी ब्लैक मनी के बारे में मोदी जी बहुत बात कर रहा है, और इसके बारे में भी करना चाहिए। बिल्कुल, पूरी ब्लैक मनी के बारे में बात, आप सपोर्ट करेगा? पहले अरविंद केजरीवाल से ही शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी ब्लैक मनी है, प्लीज आप अपने चैनल की तरफ से दिखाइए। नहीं, ब्लैक मनी के बारे में मैं नहीं बोल रहा है, ब्लैक मनी का बात चल रहा है, वो हमारा पैसा वापस हमें आना चाहिए। ये टाइम पे राजकीय नेता जो है, उनका उनका संस्था क्या था, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या था, उनको उनको पैसा कहाँ से आ रहा था, उसका भी जांच होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को जो एक एक पैसा आता है उसकी जांच करने का अधिकार है, उसका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी बनती है। आम आदमी पार्टी के पास एक भी पैसा यदि गलत स्रोत से है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे पेश करें, एविडेंस दे देना, बिना एविडेंस के मत करना। यस, बहुत ठीक बोला आपने। मैंने एक बात बोलना चाहता है, आम आदमी पार्टी 2013 दिसंबर 28 से 14 फरवरी 2014 49 डेज आपने राज्यभार किया, 49 डेज, बाद में आपने छोड़ दिया। लोग अभी भी आम आदमी पार्टी पार्टी को फिर हाथ पकड़ेगा, सपोर्ट करेगा? आप दिल्ली में आके देख लेना ना। लोग देखिए, दो, मैंने आपको पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है, दो तरह का गुस्सा होता है, लोगों को निराशा हुई जब हमने दिल्ली से सत्ता छोड़ी, लोगों को निराशा हुई, दुख हुआ, गुस्सा भी आया। दो तरह का गुस्सा होता है, एक प्रेम का होता है, एक होता है क्रोध, दूसरे तरह का, जहां आपको लगता है कि कोई नैतिक रूप से गलत काम कर रहा है। लोगों का प्रेम का गुस्सा था, बुला के उन्होंने हमें कहा, मुझे भी कहा, मेरे को चुनाव में जहां जहां मैं गया हर गांव में लोगों ने पूछा कि छोड़ क्यों दिया तुम लोगों ने, हमें अकल आई, हमने सीखा उस चीज से। लेकिन ये प्रेम का गुस्सा, वो कह रहे थे तुम इतना अच्छा काम कर रहे थे छोड़ क्यों गए, ये वो नहीं था कि जैसे कांग्रेस की सरकार के बारे में था कि तुम सत्ता पे क्यों हो, तुम चले क्यों नहीं जाते, ये नहीं था, ये था कि तुम अच्छा काम कर रहे हो क्यों चले गए। ये जो गुस्सा होता है, ये प्रेम का गुस्सा होता है, दूसरी तरह का गुस्सा होता है, ये गुस्सा वापस आता है। अभी मोदी का हवा चल रहा है देश में, देखिए बाद में जो जो चुनाव आया स्टेट लेवल का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। मैंने महाराष्ट्र के बारे में बोल रहा है, हरियाणा के बारे में बोल रहा है, अभी इस ये टाइम पे दिल्ली में भी मोदी का मोदी चलेगा, ऐसा आपको लगता है, आपकी इच्छा है? नहीं नहीं, लग रहा है, लग रहा है, संभावना की इच्छा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वक्ता नहीं है अब तो इसलिए आपकी भाषा से मुझे लगा कि कुछ और मामला। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, मैंने पहले ही एक बात बोल दिया है, मेरा हिंदी
बहुत पूर है, नहीं 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 ठीक है, दूसरा अर्थ भी दे सकता है, नहीं, नहीं, बहुत सुंदर हिंदी बोल रहे हैं, थैंक यू सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और जहां जहां विकल्प नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस और बेटर हुआ है, सब जगह नहीं, सब कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ है। आपने बाई इलेक्शन देखे होंगे, बाई इलेक्शन कर्नाटका में हुए, उत्तराखंड में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, बिहार में हुए, वहां बीजेपी को सफलता नहीं मिला। संदर्भ अलग अलग है, जहां संदर्भ की बात है और जहां विकल्प है, जहां विकल्प नहीं है। हरियाणा में और महाराष्ट्र में, दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, लोग तंग आ चुके थे कांग्रेस से, देखना नहीं चाहते थे कांग्रेस को। हरियाणा में एक विकल्प था इंडियन नेशनल लोकदल, लोगों को लगता था कि ये तो गुंडागर्दी करेंगे, लोग उसको देख के डर रहे थे कि वापस कहीं दोबारा ये ना आ जाए। कांग्रेस सामने थी जिससे डरते थे, इनेलो पीछे था जिसको देखना नहीं चाहते थे, तीसरी दिशा में केवल बीजेपी थी, बीजेपी आई। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी दोनों इतने भ्रष्ट सरकार चला रहे थे कि लोग उनसे बचना चाहते थे। तो इसे केवल मोदी जी का जादू न समझिए, इसमें कांग्रेस का खुद का जो योगदान है उसको भी आप देखिए। दिल्ली में परिस्थिति दूसरी है, दिल्ली के अंदर अब कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी बन गई है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। और आप मेरी बात ना मानिए, हम बहुत बात कर रहे हैं ना दिल्ली पे, आप कहेंगे मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, आप बीजेपी की बात तो मानिए। इतने महीने से बीजेपी चुनाव पोस्टपोन क्यों कर रही थी? डरी हुई थी, लग रहा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्यों डरी हुई थी? क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली में क्या सिचुएशन है। ओके, मैंने और एक बात पूछना चाहता है। मैंने देखिए, दिल्ली में लोकसभा में आपको हार हुआ, बीजेपी 46.40 वोट परसेंटेज मैंने बोल रहा है, और 7 लोकसभा क्षेत्र था, 7-7 बीजेपी को चले गया, और कांग्रेस 15.10, आम आदमी पार्टी 32.9। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये है, ये 46 और 32। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग ने आप जो गलती जो किया है, गलती जो हुआ है, और करेक्ट करके आपने फिर आ गया, लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, इसका सूचना ये है, क्योंकि 32% एक कम नहीं है। ये 32% जो है, ये हमें विधानसभा चुनाव में जो मिला था उससे भी ज्यादा है। हमने एक्चुअली अपना पोजीशन थोड़ा सा इंप्रूव किया है, लेकिन बीजेपी ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। अब ये इतना बड़ा फासला कैसे कम होगा? 13% का फासला है, डिस्टेंस है। ये इसमें 3 फैक्टर है। नंबर 1, दिल्ली में बहुत लोग हैं जो कहते हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे, उत्साह में थे, पर कहते नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी। अब उनसे पूछा जाता है चीफ मिनिस्टर, तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ऐसे लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। वो लोग विधानसभा चुनाव में वापस आएंगे हमारी तरफ। दूसरा, कांग्रेस का आपने बताया 15% वोट, जब कांग्रेस नंबर 3 पे आ गई है तो अब 15 का उसका 5% बच जाएगा इस इलेक्शन में। हमेशा होता है थर्ड पार्टी एकदम बाहर निकल जाती है, और ये जो कांग्रेस का 10% जाएगा, ये ज्यादातर आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि वो जो अंत वो है दलित है, गरीब है, ये सब लोग हैं जिनका वोट आम आदमी पार्टी के पास आता ही है। और तीसरी चीज जो मैंने पहले भी आपको कहा कि दिल्ली का गरीब, दिल्ली का वर्किंग क्लास, मजदूर, निम्न मध्यम वर्ग, वो सब आम आदमी पार्टी के साथ है अभी भी, वो पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी। मोदी जी ने कहा था महंगाई खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा था रोजगार मिल जाएगा, अब महंगाई तो बढ़ गई है दिल्ली में, तो वहां बढ़ा हुआ है। इस वजह से ये जो 13% का गैप है, नॉर्मली बहुत बड़ा गैप है 13% का, ये ब्रिज हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए ना, बीजेपी के गले में 7 मेडल्स हैं, हमारे गले में एक भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि आ जाओ मैदान में लड़ लो, और बीजेपी कह रही थी नहीं 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 नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया, बेचारों को चुनाव करवाना पड़ा, कोई तो रियलिटी है ना इसमें। ओके, ठीक है, लेकिन अभी वो नायक नहीं है, ओके, अरविंद केजरीवाल जी है, आप लोग हैं, लेकिन बहुत लोग छोड़ के चले गया, बहुत लोग, कौन कौन? आप बहुत, नहीं, नहीं, मीडिया अक्सर बहुत कहता है, मैं हमेशा नाम पूछता हूं, अंदर का लोग थे और बाहर का लोग थे। एग्जाम्पल, मैंने हमारा कर्नाटक का संतोष हेगड़े जी का नाम बोल रहा है,
उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दे रहा था आप लोग को, अरे आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी आना चाहिए। संतोष हेगड़े जी एक दिन के लिए भी हमारी पार्टी के सदस्य नहीं बने, हम सदस्य नहीं बने। हम पहले दिन उनके पास गए थे कि आप आइए, उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। वो कभी नहीं रहे हमारे साथ, वही मैं कहता हूँ बहुत कम लोग हैं। अन्ना हमारे साथ कभी थे ही नहीं, संतोष हेगड़े एक दिन भी हमारे साथ नहीं थे। वो सम्माननीय थे, आज भी सम्माननीय है, उनकी आलोचना होती आज भी मैं सर झुका के सुनूंगा क्योंकि वो बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ कभी नहीं थे। जो चुनाव में लड़ा था लोग आपका पार्टी से, वो लोग भी छोड़ के चले गए बहुत लोग। इल्मी एग्जाम्पल, मैं बार बार वही कहता हूँ, आज सुबह में मीडिया इंटरव्यू में कह रहा था, हर बार लोग मुझसे कहते हैं बहुत लोग छोड़ गए, हर बार मैं पूछता हूँ नाम बताइए, हर बार वो कहते हैं शाजिया इल्मी। मैं कहता हूँ और नाम बताइए, थोड़ा और नाम, बहुत होंगे आपको 10-15 तो याद होंगे, 10-15 बताइए। दरअसल हो क्या गया है कि शाजिया बहन गई, हमें बहुत दुख हुआ, मुझे आज भी बहुत दुख है उस चीज़ का, लेकिन उससे ये निष्कर्ष निकाल लेना कि बहुत लोग छोड़ के चले गए हैं, या चलिए आप मेरे को दूसरी बात बताइए, आप मुझे एक पार्टी बताइए भारत की जिसमें पिछले एक वर्ष में उसको कोई नेता छोड़ के ना गया हो। नहीं, वो बहुत एग्जांपल्स मिलेगा, हर पार्टी में होता है ये तो। लेकिन ये कहना कि सब लोग, ये जो इम्प्रेशन मीडिया में बन गया है सब लोग छोड़ के चले गए, टूट गए, बिखर गए। नहीं, भाजपा जो है ये पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन मैं बोल रहा है आम आदमी पार्टी पार्टी विद डिफरेंस, अभी पार्टी विद मेनी डिफरेंसेस बन गया। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं बार बार मीडिया से पूछता हूँ कि ये सब चीज़ें आप जो कहते हैं, ऐसा इम्प्रेशन एक बना है। Yes. इसके बारे में दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी विद डिफरेंसेस एक्चुअली एक अच्छी पार्टी होती है। mm-hmm. आपका मीडिया हाउस है, okay. आपका न्यूज़ रूम है। mm-hmm. अगर कोई मुझे बताए कि आपके न्यूज़ रूम में केवल एक आपका ओपिनियन होता है और किसी का कोई ओपिनियन नहीं होता, क्या मैं उसे अच्छा न्यूज़ रूम मानूंगा? अगर मेरे को दूसरा कोई बताए कि आपके न्यूज़ रूम में 5 डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, मैं कहूँगा ये चैनल बहुत अच्छा है, इसमें डिफरेंट न्यूज़ अपने ओपिनियन है। हमेशा डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और होने चाहिए। okay. लेकिन निर्णय एक होता है, निर्णय एक लागू होना चाहिए। yes. किसी भी yes, आपने सही बोला। हुँ. मैंने एक बात बोलना चाहता है, मौलाना खाजमी ये AAP राष्ट्रीय समिति सदस्य, उन्होंने फेस टू फेस बोल दिया अरविंद केजरीवाल के साथ वो नक्सल का गठबंधन है, उन्होंने बहुत सपोर्टर है। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सज्जन हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 30-35 लोग होते हैं, ये एक 600 लोगों की नेशनल काउंसिल हमारी होती है, उसके okay. एक सदस्य हैं, और उन्होंने जो कह दिया उसका आप थोड़ा प्रमाण भी दे दीजिए। अब कुछ प्रमाण तो हो ना, बाकी तो मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ आपका चैनल ये है वो है, आप उसको मानेंगे? आप ये आप क्या कहेंगे, भैया ऐसा मानते हो तो जरा एविडेंस ले आओ। सही है, मौलाना साहब थोड़ा एविडेंस भी दे दें। क्या है कि हमारी एक बहुत खुशकिस्मती है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, कि हमारे संगठन में छोटी सी भी कोई चीज़ होती है प्रॉब्लम, उसको मीडिया लेंस लगा के देखता है। अच्छी चीज़ है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी ए पार्टी विद डिफरेंस। Okay. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीडिया उसको थोड़ा एविडेंस भी चेक कर लिया। आम आदमी पार्टी लोग है ना, जो सपोर्ट दे सकता है उनके ऊपर ही बात करते हैं, उनके ऊपर ही भोगते हैं, वो लोग के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमने अपनी शर्त के ऊपर अपनी सरकार बनाई थी, कहा था हम अपना काम करेंगे जिसके लिए हम जनता के प्रति जवाब देते। इंडस्ट्रील अर्पिसवा फेस टू फेस विराम दनन। इंडस्ट्रील अर्पिसवा फेस टू फेस। सोमनाथ भारती रातों रात में उन्होंने खिड़की राइड कर दिया, वो बहुत बहुत बड़ा न्यूज बन गया। लेकिन मैं ये बात बोल रहा है, आप मानेगा या नहीं मानेगा मुझे मालूम नहीं है, आम आदमी पार्टी को पहली बार जो धक्का मिला है ये बिकॉज ऑफ सोमनाथ भारती। आम आदमी पार्टी पक्का आम आदमी लोग का पार्टी था, लेकिन आम आदमी पार्टी को पागल पार्टी बना दिया उन्होंने। आप एक बात सही कह रहे हैं कि हमें मीडिया परसेप्शन में और पब्लिक के परसेप्शन में पहला धक्का उसी एपिसोड से लगा, लेकिन वो इशू क्या था? आज भी मैं चाहता हूँ वो इशू वो था जिसमें वहाँ का आम आदमी, खिड़की जगह का आम आदमी आके कह रहा था हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, हमारे यहाँ ड्रग रैकेटिंग हो रहा है, आप कुछ कीजिए। अगर आपकी यहाँ कॉलोनी में, बेंगलोर में
आधी रात को 12 बजे लोग अपने काउंसिलर के पास जाएं, कहें प्रॉब्लम है तुम उठो, और वो काउंसिलर अपना आंख मुंह खोल के और कहे कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, बताइए क्या प्रॉब्लम। वो काउंसिलर मॉरल पॉलिसिंग भी कर सकता है। वो काउंसिलर ने फिर उसने क्या किया, उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस को कहा आप प्लीज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आप प्लीज आइए। okay. बाद में महिला पुलिस कहा कि महिलाएं यहाँ पे हैं, okay. महिला पुलिस को फोन किया कि महिला पुलिस को यहाँ आना चाहिए, बाकी चीजें उसका जुडिशियल इंक्वायरी। नहीं नहीं आया पुलिस, पुलिस नहीं आया, पुलिस ने ना कर दिया आने से, और वो बार बार उसकी फिल्म में आ रहा है, कुछ आए और पुलिस के ACP ने, उन्होंने कहा कि पुलिस का DCP आए। योगेंद्र यादव जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर एक नेता एक मंत्री पुलिस को फोन करेगा तुरंत आना चाहिए, पुलिस नहीं आएगा, ये फिर आप कैसे नेता बन सकता है? वही मैं ये कह रहा हूँ, कर्नाटका और दिल्ली में यही अंतर है। आप अच्छी बात है आपने कहा, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। दिल्ली कर्नाटका में कोई मिनिस्टर कहे पुलिस ना आए, असंभव है, क्योंकि कर्नाटका की पुलिस कर्नाटका सरकार के अंडर काम करती है, दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर काम नहीं करती। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेंगलोर के लोगों को, यही प्रॉब्लम है दिल्ली की, इसीलिए हमने कहा कि लेकिन सहयोग से काम करना है ना सर। वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, कांग्रेस हमारी सरकार को परेशान करना चाहती थी, और इसलिए हमने कहा वो बार बार, ये तो रिकॉर्डिंग में है, मिनिस्टर कह रहा है प्लीज यहाँ पे आइए, आप DCP साहब आप आइए उठ के प्लीज आइए, और वो कह रहे नहीं आएंगे। ऐसा संभव है कभी कर्नाटका में? ऐसा हो सकता है? दिल्ली में ये हुआ, इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर को प्रोटेस्ट करना पड़ा कि कैसे हो सकता है। ओके, यही सोमनाथ भारती का जो स्टेप है, ये विरोध करके मधु भंडारी फाउंडर मेंबर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपने बोला कौन कौन नायक चले गया, आप बोलिए, मैंने आपको लिस्ट दे रहा है। मधु भादुड़ी हमारे यहाँ के जो फिर 700 लोगों की काउंसिल थी उसके एक मेंबर हैं, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नहीं थी, उन्होंने दिया। मुझे वैसे बहुत अच्छी चीज लग रही है कि सारे प्रोग्राम में हम 7 महीने पुरानी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मैं समझता था न्यूज में कुछ न्यू तो होना चाहिए। व्हाट अबाउट अश्विनी उपाध्याय? अश्विनी उपाध्याय हमारी किसी कमेटी के कोई मेंबर नहीं है, वो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर हैं, उनका हमारी पार्टी के निर्णय की प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं है। व्हाट अबाउट विनोद बिनी? विनोद बिनी तो MLA थे, उसकी तो सारी दुनिया को किस्सा पता है, उसमें क्या बात है? नहीं, उन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल एक डिक्टेटर है, उन्होंने तो बोला था ना, उस पर बात हुई थी, पूरे देश ने देखा था, उसमें कोई नई बात क्या है? हमने उसका जवाब दिया था और कारण स्पष्ट था, वो मिनिस्टर बनना चाहते थे, मिनिस्टर नहीं बन पाए। अब 28 में से एक आधा आदमी तो ऐसे चरित्र का हो जाता है ना, बाकी 27 को देखिए BJP ने कितना पैसा देने की कोशिश की, वो 27 लोग छोड़ के नहीं गए, इसलिए उनको डिसॉल्व करनी पड़ रही है बीजेपी को। बीजेपी ने सोचा था, या ऑपरेशन कमल हुआ था ना आपके कर्नाटका में, बीजेपी ने ऑपरेशन कमल करने की कोशिश की दिल्ली में, आम आदमी पार्टी का MLA गया नहीं उनके साथ। आपको सलाम करना चाहिए, पहली बार देश में हुआ, करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे थे, लोग गए नहीं छोड़ के पार्टी को। ओके, सो अभी आम आदमी पार्टी का माहौल बहुत ठीक है, अभी लोग को मालूम हो गया है अरे कुछ ना कुछ गलत किया है लोग ने, लेकिन फिर भी अच्छा लोग मतलब अरविंद केजरीवाल, अच्छा लोग मतलब आम आदमी पार्टी का लोग है, ऐसा मान रहे हैं लोग। सिर्फ दिल्ली में बदला है, बाकी पूरे देश में माहौल अभी बदला नहीं है। दिल्ली में बदला है क्योंकि दिल्ली में लोगों ने सीधा अनुभव किया था हमारी सरकार को। बाकी सब जगह लोग हमें मीडिया की इमेज से देखते हैं, दिल्ली के लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो 400 क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का लोग खड़ा हुआ था। उनको कम से कम 432 कैंडिडेट, 1.13 करोड़ वोट, 2.05% ऑफ वोटिंग। आपने ठीक बोला, दिल्ली में आपका जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन देश में नहीं है। आपको याद है बीजेपी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था उसको कितने सीट आए थे, BSP ने जब पहला चुनाव लड़ा था कितने, मैं तो इतिहासकार हूँ मुझे चीज़ें याद रहती हैं, कितने आए थे? देश में पिछले 40 साल में केवल 2 सक्सेसफुल नेशनल पार्टीज हुई हैं नई, बाकी सब पुरानी पार्टीज हैं। वो दोनों पार्टीज का पहला इलेक्शन कैसा था? बीजेपी को 2 सीट आया, 2 सीट, BSP को 3 सीट आया था, आम आदमी पार्टी को 4 सीट आया है। पहला चुनाव तो हमेशा ही ऐसा होता है, बोनी है, जैसा हमने सोचा था उससे थोड़ा कम रहा, लेकिन शुरुआत है।
पहले चुनाव में आप क्यों जाते हैं? पहले चुनाव में इसलिए जाते हैं लोग आपका नाम पहचान सकें। आम आदमी पार्टी को नेम रिकॉग्निशन हुआ, पूरे देश में हमारा संगठन फैला और हमारे पास एक बुनियाद बनी है बेहतर राजनीति करने की। मैं तो इसको दीर्घकालिक काम देखता हूं। ओके, मेरा लास्ट 3 क्वेश्चंस है। आप लोग को कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, कांग्रेस लोग के ऊपर ही आप लोग बात किया। चलिए एक आदमी बोल रहा है अरे मैंने राहुल गांधी से खिलाफ मैंने लड़ूंगा। मैंने एक आदमी और एक बात बोलेगा, उन्होंने कवन में कविता में उन्होंने मोदी को प्रेज करेगा और वो भी आम आदमी पार्टी का नायक है, छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अभी ये लोग पूरा लोग बोल रहा है आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट दे सकता है, आपको हाथ पकड़ सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी लोग है ना जो सपोर्ट दे सकता है उनके ऊपर ही बात करते हैं, उनके ऊपर ही भोगते हैं, वो लोग के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। आपने तो मेरी बात मान ली जो मैंने खुद कहा था। आपने पहले मुझसे पूछा था ना कांग्रेस का आपने सपोर्ट लिया और मैंने कहा हमने तो कांग्रेस की कोई बात नहीं मानी। अब आप स्वयं आपने बात मेरी मान ली कि सचमुच हमने कांग्रेस का कुछ नहीं माना। कांग्रेस जो कुछ चाहती थी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने कांग्रेस से समझौता नहीं किया था, हमने कांग्रेस से कोएलिशन नहीं किया था, गठबंधन नहीं किया था। हमने अपनी शर्त के ऊपर अपनी सरकार बनाई थी, कहा था हम अपना काम करेंगे जिसके लिए हम जनता के प्रति जवाबदेह थे, हम कांग्रेस के प्रति जवाबदेह थोड़ी थे। और हम आज भी कहते हैं हमारा ना कांग्रेस से गठबंधन था, ना है, ना होगा, कोई सवाल ही नहीं होता करने। ओके, मेरा सेकंड प्रश्न है, कर्नाटक में आम आदमी का लीडर कौन है? मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, आम आदमी पार्टी इधर बहुत अच्छा माहौल है, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट रवि कृष्णा रेड्डी और दूसरे का नाम हमें याद नहीं आएगा। हमें किसी से किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकता है और रवि कृष्णा रेड्डी है, किसी से ऊपर लड़ सकता है रवि कृष्णा रेड्डी है और दूसरा नहीं है। आपको हमारे एक साथी का नाम याद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल क्या हुआ है कि जब नया नेतृत्व उभरता है तो हमेशा यही कहते हैं हमें नाम नहीं पता। जिनका नाम पता है उनका नाम कैसे पता है? इसलिए कि वो एक महत्वपूर्ण राजनीति में आ जाते हैं, फिर हमें उनका नाम पता लग जाता है। आम आदमी पार्टी कर्नाटका के पास भी बहुत चेहरे हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है। कल को इलेक्शन में ऊंचे आ जाएंगे आप उन्हें पर्सनैलिटी कहना शुरू कर देंगे, आप उन्हें VIP, जैसे मेरे को जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता लोग कहने, मैं कैसा राष्ट्रीय नेता हूं? तो जो बात कह देते हैं वो बात चल जाती है। आम आदमी पार्टी के पास, मुझे गर्व है ये कहने में कि कर्नाटका में इतने अच्छे लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के काम किया है। अब इस दुनिया में अच्छे को बड़ा आदमी नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ी देर में मानना शुरू कर। यस, यूर ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक एक बात करने के टाइम पे मैंने सूक्ष्म तरह से मैंने देख रहा था, आप ठीक ठाक बोला, अगर ये गलत है गलत है, ये सही है सही है। मैंने एक प्रश्न पूछ रहा है, मैंने आम आदमी पार्टी का नेता से ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। राजकीय विश्लेषक को मैंने एक ये प्रश्न पूछना चाहता है, मोदी का सरकार कैसे है और कैसे चल रहा है? आपकी अवधारणा में एक दोष है, आपको सत्य और राजनीति में विरोधाभास नजर आता है। मुझे कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। अगर मेरी राजनीति गंभीर है तो मुझे तो सत्य बोलना ही होगा। मोदी जी की सरकार एक बहुत मजबूत बहुमत लेके देश में आई है, उसकी जनता में लोकप्रियता कुछ चीज़ों के कारण बेहतर हुई है, पहले से बेटर हुई है। कुछ चीज़ों के बारे में लोगों के मन में संदेह बनना शुरू हुआ है। फॉरेन पॉलिसी पे कुल मिला के लोगों ने उनका समर्थन किया है। ब्लैक मनी के सवाल पे लोगों के मन में प्रश्न बना है कि ये तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी। उनके स्वच्छ भारत के अभियान को भारत ने स्वीकार किया है, उसको अच्छा बताया है, लेकिन ईमानदार ऑफिसर्स के साथ उनकी सरकार जो व्यवहार कर रही है उसके बारे में प्रश्न बना है। उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कुछ बिजनेसमैन ने पसंद किया है, एनवायरनमेंट के ऊपर जो वो कर रहे हैं उसको देश का हर एनवायरनमेंटलिस्ट उससे परेशान है, उससे चिंतित है। अभी शुरुआत है, सरकार का हनीमून पीरियड है, हनीमून अच्छा बीतना ही चाहिए, अच्छी बात है। ये हनीमून पीरियड है और आगे नहीं चलेगा उनका कमाल? मैं नहीं कह रहा, मैं अच्छा अच्छा काम करेंगे तो चलेगा। और हमारा विपक्ष के नाते धर्म क्या है? अगर वो अच्छा काम करें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा। वो सियाचिन गए,
कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया कि ये तो राजनीतिक खेल है। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है, प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए अच्छा काम करने के लिए। तो इधर उधर कहाँ प्रतिभाशाली है, मोदी जी ने आके बात कर रहा है। अगर कल हमारा योगेंद्र यादव जी को बुला के हमें आपका सहायता चाहिए, आप गाइड कर सकता है, अगर उन्होंने पूछ लिया आपका राय क्या है, तो मैं कहूँगा कि आपका और मेरा भारत का सपना बुनियादी रूप से भिन्न है। उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है और मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है बिल्कुल अलग अलग सपने हैं। मेरा आइडिया ऑफ इंडिया वो है जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जो डाइवर्सिटी का सम्मान करता है, देश की विविधता का सम्मान करता है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी की डोमिनेंस नहीं चल सकती इस देश में। मोदी जी ने जो किया, मोदी जी जिसके लिए प्रतिबद्ध हैं, वो मेरा भारत नहीं है, वो मेरा भारत का सपना नहीं है, मैं उसके साथ बिल्कुल जा ही नहीं सकता। यस सर, थैंक यू वेरी मच योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत सारे बात किया। और एक बात बोल रहा है, मेरा हिंदी बहुत पुअर है। अरे नहीं, इतनी सुंदर हिंदी, मैं तो कन्नड़ बिल्कुल नहीं बोल पाया, हालांकि कन्नड़ का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। यू आर अनंत मूर्ति मेरे हीरो रहे हैं, डी आर नागराज और यहाँ की पूरी प्रतिभा, तो कर्नाटका से तो मैंने बहुत सीखा है, मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे को इसकी दुख है। थैंक यू सो मच। ಸೊ ಇದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಿನಗಳು. ನಿಜ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದಮ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಜಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ. ಇವರ ಚರ್ಚೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇಂಡಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಟಿ ದ ಒರಿಜಿನಲ್.